हेलो फ्रेंड्स, जैसे मैंने एक वीडियो डाला था कि ट्रैवल ब्लॉग के नाम से, कि मुझे ट्रैवलिंग करने जाना है या जैसे मैं ट्रैकिंग वगैरह पे जाता था कहाँ जाना चाहिए, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग मुझे सजेशन दो। तो बहुत लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा, मेल करी और SMS आए या कॉल भी आई लोगों की जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि भी आपको साउथ इंडिया, मतलब जो उसमें सबसे ज़्यादा जो निकला, वैसे तो किसी ने बोला नेपाल जाओ, किसी ने बोला हिमालय जाओ, तो सबसे ज़्यादा जो लोगों ने बोला वो बोला कि आपको साउथ इंडिया जाना चाहिए, और बहुत लोगों ने लंका, श्रीलंका के लिए बोला। तो मुझे लगा कि मेरे को पहले साउथ जाना चाहिए, तो वेदर के हिसाब से भी मेरे को लगा कि कम्फर्टेबल रहेगा। तो मैं फिर पहले साउथ गया, यहाँ से मैं चेन्नई गया, इसका मैंने वीडियो वगैरह डाला भी होगा और अभी जो बैलेंस होंगे वो डल जाएंगे। और चेन्नई से फिर मैं रामेश्वरम गया। रामेश्वरम में मेरी कोशिश थी और इच्छा थी कि मैं राम सेतु को देखूं, तो मैंने राम सेतु को देखा, क्योंकि रामेश्वरम से आगे धनुषकोडी है, धनुषकोडी में फिर वो वहाँ से 34 किलोमीटर आगे श्रीलंका है, वहाँ पे वो राम सेतु बना हुआ है, वो मैंने देखा और वहाँ के बारे में जानने की कोशिश करी कि भी वाकई में क्या वहाँ पे तैरता हुआ कोई पुल है जैसा कहा जाता है, या कोई ऐसे पत्थर है जो तैरते हैं। तो मुझे ऐसा कुछ वहाँ पे मिला नहीं। धनुषकोडी में मैं गया तो वहाँ पे एक सिंपल समुद्र है, आपके अगर आप धनुषकोडी में खड़े होंगे, श्रीलंका की तरफ मुंह करके खड़े होंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपके लेफ्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है जिसमें कोई भी लहर नहीं है, और राइट साइड के अंदर आपके इंडियन ओशन है, हिंद महासागर, जिसमें कि बहुत एग्रेसिव है, बहुत गहरा भी है और बहुत लहरें उठती हैं, वेव बहुत ज़्यादा है। तो सीधा ना वो राम सेतु बना के, जैसे वो नासा की पिक्चर भी आप लोगों ने देखी होगी, वो थोड़ा सा कर्व है वो ब्रिज। तो कहते हैं कि जो नल नील थे वो बहुत अच्छे आर्किटेक्चर थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि भी इस कैलकुलेशन के हिसाब से, क्योंकि बे ऑफ बंगाल बहुत कम गहरी है। मैंने कुछ वीडियो भी शूट किए वहाँ पे कि दो दो तीन तीन किलोमीटर समुद्र के अंदर जाने पे भी लोग, मछुआरे जो थे वो अपनी बोट से उतर के चल रहे हैं पानी के अंदर, मतलब उनकी कमर तक पानी है या चेस्ट तक पानी है, तो वहाँ पे कम गहरा है, तो उन्होंने, और पानी में कोई लहर भी नहीं है, चाहे जितनी मर्जी हवा चल जाए, उसके भी वीडियो डल जाएंगे या डल चुके होंगे। तो आप देखोगे कि इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम इंडियन ओशन पे ना बना के हम बे ऑफ बंगाल से जाएंगे। तो वो राम सेतु बना, तो वो राम सेतु क्या है, वहाँ पे बीच में छोटे छोटे आइलैंड है, बहुत छोटे छोटे, उसके बीच के जो गैप थे उनको उन्होंने फिल करके एक ब्रिज बनाया जिससे वो गई। ये हमारी इंडियन रामायण है, जो तुलसीदास रामायण या वाल्मीकि रामायण में इस बारे में बताया जाता है, जिससे हम लोग सुनते आ रहे हैं रामलीला में, और जो भी हमारे मेन तो रामानंद सागर की रामायण का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो उसके बाद में हमने जो मैंने 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 कहा मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगा, समझूंगा, लोकल लोगों से बात करूंगा। तो फिर मालूम पड़ा फ्लोटिंग स्टोन कहाँ है, तैरता हुआ पत्थर कहाँ है, और पत्थर क्या सच में तैरता भी है। तो मैंने वहाँ पे बहुत सर्च किया, तो मालूम पड़ा कि एक हनुमान जी का मंदिर है जहाँ पे फ्लोटिंग स्टोन, तैरते हुए पत्थर रखे गए, जिसके ऊपर राम लिखा हो तो वो तैरता है पत्थर। तो मैंने वहाँ पे पुजारी से काफ़ी रिक्वेस्ट करी, क्योंकि ऑफ सीज़न में गया था इसलिए मंदिर में ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, ये वीडियो शूट अलाउ नहीं था, और उनसे रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने, मतलब पत्थर तो वो हर एक को दिखा रहे थे, वो ना तो रामेश्वरम के टेम्पल में है और ना कहीं ओपन कहीं है, वो एक मंदिर है हनुमान जी का 2-3 किलोमीटर दूर रामेश्वरम के ज्योतिर्लिंग से, वहाँ पे जाके आपको वो हनुमान जी के मंदिर के अंदर एक छोटा सा मंदिर है, एक घर टाइप का मंदिर है, वहाँ पे वो पत्थर आपको तैरता हुआ, उन्होंने एक पानी का कुंड बनाया हुआ है, उसमें पत्थर रखे हैं कई सारे और वो तैर रहे हैं। मेरे रिक्वेस्ट करने पे उन्होंने वो जाल हटा के भी दिखाया, वैसे वो लोगों को उस जाल के अंदर से ही दिखाते हैं, फोटो वगैरह मुझे उन्होंने खींचने नहीं दी, वीडियो बनाने नहीं दिया, और उसके अंदर उन्होंने वो पत्थर, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी मैं उठा के देखने तो इसका वजन कितना है, तो वो कुछ 7-8 किलो का पत्थर था, मैंने छोड़ा, वो पानी में नीचे गया, वो वापस ऊपर आया और वो तैर रहा था। तो मैंने कहा ये चीज़ मुझे आप लोगों को दिखानी चाहिए और इसके पीछे की क्या स्टोरी है क्या है। तो मैंने वहाँ पे उन पुजारी के साथ में एक डील करी, अनऑफिशियली उनसे बात करी, रिक्वेस्ट करी, उन्होंने दक्षिणा की डिमांड करी। ये सब मेरा एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो मैं अपने अगले वीडियो में डालूंगा कि किस तरीके से पंडित डील करते हैं, अपना बिजनेस है उनका आज की डेट में, धर्म अध्यात्म कोई मायने नहीं, एक बिजनेस है प्योर। तो उन्होंने मुझसे एक डिमांड करी, मैंने भी एज ए बिजनेसमैन उनसे डील करी और फाइनली मैंने वो उनसे एक स्टोन लिया। पर क्योंकि मेरे को उसके बाद श्रीलंका जाना था कोलंबो, तो मैं ज़्यादा पत्थर, बड़ा पत्थर कैरी नहीं कर सकता, मैंने उनसे कहा मुझे एक छोटा पत्थर चाहिए जो तैरता हो पानी में, तो उन्होंने फाइनली मुझे एक पत्थर दिया, और जो भी मेरी उनसे पैसों की बात हुई मैंने उनको दिए, वो पत्थर लिया उनसे। फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे तैरा के दिखाओ, क्योंकि मैं पंडितों पे, मतलब जो डील कर रहा है तो उस पर कैसे भरोसा कर सकूं। उन्होंने वो तैरा के दिखाया, वो तैरा पत्थर,
मैं वो पत्थर लेके आया और मैं आपको वो पत्थर दिखाना चाहता हूँ कि क्या सच में ऐसा पत्थर तैरता है कोई चीज़ तैरने वाली। तो अब मैं आपको वो पत्थर दिखाता हूँ जो राम लिखने पे वो तैरता है, जो सदियों से हमने रामायण में सुना है, रामानंद सागर की रामायण में देखा है, जो टीवी पे आती थी, तुलसीदास की रामायण, वाल्मीकि रामायण, ये हम जो सुनते हुए आ रहे हैं कि राम लिखा हो पत्थर पे, तो वो तैरते थे और उससे उन्होंने ब्रिज बनाया।